नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है और हम लोग हैं दोस्तों सोशल स्पार्क चैनल पे। दोस्तों इस चैनल पे हम लोग आपको रेलवे की नई नई जानकारियाँ देते हैं, रेलवे के नए नए नियम कानून, नई तरह की जो सुविधाएं होती हैं उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों प्रतिदिन रेलवे से 3 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, इनमें हजारों या लाखों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो अपने सफ़र को पूरा नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टिकट कैंसिल करा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको विभिन्न वजहों से, चाहे वो ट्रेन कैंसिल हो जाए या ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने के पहले दूसरे रूट को ले ले, एसी फेल्योर हो जाए, विभिन्न कारणों से वो सफ़र पूरा नहीं करते हैं लेकिन वो टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं, TDR फाइल नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपने टिकट के पैसे को वापस ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। दोस्तों एक सामान्य नियम है रेलवे में कि 48 घंटे पहले अगर हम किसी भी तरह का वो करते हैं, अगर टिकट को कैंसिल करते हैं तो एक फ्लैट हमारा एक डिडक्शन होता है, एक कट जाता है, कैंसिलेशन चार्ज रेलवे लेता है, वो है AC फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास का ₹240, AC सेकेंड क्लास का है क्या कहते हैं ₹200, AC थर्ड क्लास या AC चेयर कार या इकोनॉमिक क्लास का है ₹180 और स्लीपर क्लास का है ₹120। सामान्य जो सेकंड क्लास के टिकट्स होते हैं अगर हम उनको वापस करते हैं तो ₹60 डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों IRCT की साइट पे TDR की सुविधा होती है, अगर हम टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट जिसे कहते हैं कि हम टिकट एक तरह से वापस कर देते हैं रेलवे को और वो उसके बदले में हमें कुछ रिफंड करता है, वो अलग अलग दोस्तों है, ये तय नहीं है, फुल रिफंड भी है और पार्शियली रिफंड भी है, यानी 20%, 50%, 30%, ये रेलवे तय करता है स्थिति को देखते हुए। ये जो TDR फाइल करते हैं ये 19 कैटेगरीज की होती है, तो हम आज आपको इस वीडियो में सारी कैटेगरीज तो नहीं बताएंगे लेकिन टॉप 5 कैटेगरीज जरूर बताएंगे। पहला दोस्तों है टिकट ट्रेन कैंसिल हो जाना, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो आप TDR फाइल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप TDR फाइल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा पैसा मिलता है। अगर आप TDR फाइल नहीं करते हैं तो आपका कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि टिकट को आप जो है रेलवे खुद वापस नहीं करने आता उसका पैसा। दूसरा है दोस्तों अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो, अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है और वो जो एक्चुअल टाइम है उससे 3 घंटे से ज़्यादा जो लेट है उस 3 घंटे के बीच में आप उसको अगर वो कर देते हैं, फाइल कर देते हैं, तो आपको फुल रिफंड होता है। अगर आपका AC फेल हो जाए तो आप ट्रेन के पहुंचने के 72 घंटे के अंदर TDR फाइल करके ये बता दें कि AC फेल हो गया है, तो आपका जो है क्या कहते हैं टिकट पे जो वापसी है वो रेलवे करेगा, लेकिन कितना करेगा ये वो जज करेगा, क्योंकि रेलवे स्टाफ जो होता है वो इसके लिए सर्टिफिकेट रिलीज करता है कि कितने दूरी तक या कितने देर तक AC काम नहीं किया, उस आधार पे वो होता है। इसी तरह अगर शॉर्ट टर्मिनेशन ऑफ ट्रेन हो जाता है, यानी कि ट्रेन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, उसके पहले कहीं जाके रुक जाती है, तो भी आप TDR फाइल कर सकते हैं और उसका भी वही प्रोसीजर है, आप पहुंचने के 72 घंटे के अंदर फाइल करते हैं और रेलवे स्टाफ एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसको हमारा इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो IRCT ही उसको जानती है या समझती है, तो उसके आधार पर होता है। अगर TDR ज़्यादा पैसा लेते हैं तब भी आप TDR फाइल कर सकते हैं, इसका भी यही नियम है, आप जब पहुंच जाए तो उसके 72 घंटे के अंदर TDR फाइल करके बता दें रेलवे को कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उसके लिए भी आपको पार्शली रिफंड हो जाएगा और जो पैसा लिया गया वो रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 ऐसे कारण हैं जिनको हमें निश्चित भर देना चाहिए, और भी सारे जो कारण हैं आपको मैं आगे किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा इसको, और इसके लिए जो है आप दोस्तों ज़रूर TDR फाइल किया कीजिए, बहुत से लोग TDR फाइल नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसका बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए।